ममता बनर्जी ने महारैली करके लोकसभा चुनाव की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकता को एक मंच पर दिखाया, साथ ही संदेश भी दिया कि विपक्ष का पीएम उम्मीदवार चुनाव के बाद तय होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाने के लिए कोलकाता में महारैली की। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की रैली में अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, एचडी कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, चौधरी अजीत सिंह और सतीश चंद्र मिश्रा समेत 22 दलों के नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी ने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं, उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। बंगाल में 2 है, अभी 0 मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। यूपी में भी गया, मायावती जी अखिलेश 1 हो गया तो गया। ममता की रैली में ईवीएम का मुद्दा भी उठाया गया। ईवीएम पर 4 नेताओं की कमेटी बनाने का फैसला लिया गया, जो इस मामले पर चुनाव आयोग से मिलेगी। ये जो मशीन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये चोर मशीन है। हम सबको मिलके इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए और इस मशीन को भंग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो बात बंगाल से चलेगी वो पूरे देश में दिखाई देगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। ममता की रैली में कांग्रेस और बीएसपी के नेता भी पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती रैली में नहीं गयी।